पहले अमलेंद्र सिंह मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। अमलेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादों से चोली दामन करना था, हो क्या है? कभी रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं, कभी अब बौद्ध धर्म को लेकर दे रहे हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ये एक साथ समझी हुई एक चाल है कि लोगों को बरगलाया जाए? मायावती ने अब उन पर ट्वीट किया है, तंज कसा है, क्या कहेंगे, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बड़ी चीज हम बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है एक बहुत ही सही राजनीति करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इधर बीच में पड़ता, अगर एक साल के अंदर देखा जाए तो चुनाव को लेकर 2024 साधने को लेकर के ये बहुत ऐसी छोटे छोटे बयानबाजियां की है। बीच में रामचरित मानस को लेकर के इन्होंने बयान दिया, फिर इधर आप देखे तो बनारस के मंदिर ज्ञान भाटी को लेकर भी इन्होंने बयान दिया। ये लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए और पार्टी लेवल पे ये कि इनकी सोची समझी राजनीति होती है। और सबसे बड़ी ये देखिए कि बयान दे देते हैं लेकिन अपने बयान पे कायम भी रहते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी लाइन के तहत अगर ये देखा जाए तो हमको लगता है कि इनको अंदरूनी जो है पार्टी लाइन की लाइन खींची रहती है कि आपको किस लेवल पे कितना बयान देना है। और इस पर बहुत बड़े बड़े नेताओं को आप देखोगे कि अपने बयान से पलट भी जाते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए तो ये एक बार साधुओं को भी इन्होंने आतंकी घोषित कर दिया था, कई बोले थे कि साधंगी आतंकी रहे। फिर उसके बाद देखिए गाजीपुर वाला जो हमारा हिंदू राष्ट्र वाला था जिसमें बड़ा हुआ था, उसमें भी इन्होंने बहुत सारे इनके हुआ लेकिन इन्होंने कुछ पलटने की कोशिश नहीं की। उसके बाद सुंदरकांड का मामला देखिए भी था, उसको लेकर के इन्होंने भी बयान दिया। तो ये लगातार ज्ञान व्यापी, अभी इनका भी जल्दी का ही मामला रहा है तो उसको भी लेकर के इन्होंने बोला कि अपने सबके अपना 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 मामला है, पुरातत्व का मामला है, तो किसी। लेकिन ये देखिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बेसिकली 2024 के चुनाव को लेकर के सौरभ ये ज्यादा बयान है, इनकी लाइनें सारी खींची हुई लाइनें हैं, ये 24 की लाइन को खींच को लेकर के ही चल रहे हैं। बिल्कुल अमलेंद्र, अगर बात किया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान तो देते हैं लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कभी कोई पलटवार नहीं आता, कभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की जाती, नहीं इस तरीके का वक्तव्य नहीं देना है, ये पार्टी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, कभी इस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से नहीं आता, क्या कहेंगे आप? और अब देखो सबसे बड़ी चीज ये होती है, हम आपको बताएं कि राजनीति का जो पहलू है, अगर आपको इंटरनल सपोर्ट है, अगर आप पार्टी लाइन पे जा रहे हैं तो आप दूसरे बड़ी पार्टी लाइन को देखिए, तो अगर उनका कोई नेता देता है तो उनकी तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आ जाती है कि इस बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं, अब तक के बयानों में जितने भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे पार्टी कमान से कोई भी एक तरफ से बयान एक लाइन भी बयान नहीं आया है इससे हमको लेना देना नहीं है, तो इसका आप एक अर्थ लगा सकते हैं कि ये प्री प्लांडेड हो सकता है या बिल्कुल प्री प्लांड हो सकता है, चुनावी स्टंट हो सकता है। अमलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ।